आज बिहार विधानसभा में साल 2021-22 का वित्त बजट पेश किया गया। कोरोना संकट के बीच राज्य का बजट इस बार बेहद खास रहा। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बजट था, इसलिए सबकी निगाहें सरकार के पिटारे पर टिकी थी। चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि इस बार सरकार के पिटारे से जनता को क्या मिला। बिहार का कुल बजट 2,18,303 करोड़ रुपए का रहा। इस बार सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया है। 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इंटर पास करने वाली अविवाहित महिला को 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 देने का प्रावधान है। सभी गांवों में सोलर लगाने की योजना शुरू की जाएगी। गोवंश संस्थान की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज और संस्थान के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 300 करोड़ के बाल हृदय योजना की शुरुआत होगी। सरकार ने इस बार के बजट को पूरी तरह से संतुलित रखने की पहल की है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने विशेष जोर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अलग अलग विभागों को कितने पैसे मिलेंगे। शिक्षा 21,939.03 करोड़। ग्रामीण विकास 16,782.66 करोड़। समाज कल्याण 1,890.85 करोड़। ग्रामीण कार्य 7,313 करोड़। स्वास्थ्य विभाग 6,927 करोड़। पथ निर्माण 4,410 करोड़। नगर विकास 3,952 करोड़। जल संसाधन 3,007 करोड़। कृषि 2,533.88 करोड़। लोक स्वास्थ्य 2,492.1 करोड़। बिहार का वित्त बजट पेश करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि ये बजट सर्वांगिक विकास का बजट है। इसमें 20 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य में एक और नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बना युवाओं के रोजगार के लिए मौके बढ़ाए जाएंगे। बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की शुरुआत की गई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत पुराने और नए ITI संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। बिहार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च स्तरीय 4 एक्सेलेंस का निर्माण कराया जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम बनाया जाएगा। युवाओं को तकनीकी शिक्षा हिंदी में दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने राज्य की आधी आबादी को भी विशेष तोहफा दिया है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रशासन पुलिस थाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह से सरकार ने इस बार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अपना बजट पेश किया। अब देखना ये होगा कि ये बजट के प्रावधान कब तक धरातल पर दिखाई देते हैं।